हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे आपके कुकिंग चैनल रोशन डिशु पर। आज की जो रेसिपी है बहुत हेल्दी होने वाली है। देख के आपको लग रहा होगा कि पालक आलू होगा समथिंग, लेकिन आज हम आलू और चौलाई की सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत हेल्दी एक साग होता है, शायद आप लोगों को पता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे चौलाई कहते हैं। लगभग मैंने 300 ग्राम ये चौलाई लिए हैं, जिसके मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, रफली कट चॉप करना है, मतलब रफली आप इसे कट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रफली कट कर लेना है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि एकदम बारीक चॉप करना है या मोटा चॉप करना है, रफली इसे कट कर लेना है। ये चौलाई से मुझे किस्सा याद आ रहा है कि मेरे सामने, घर के सामने खेत हुआ करता था, और ये बारिश के सीजन में ना मतलब खेतों में अपने आप उग जाया करता है। तो मम्मी हम लोग को हमेशा ये तोड़ने के लिए भेज देती थी खेतों में। बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी। तो बातों बातों में अब हम आ चुके हैं मेन प्रोसेस के ऊपर। कढ़ाई ले ली है, 2 टेबलस्पून ऑयल, और ये 2 आलू है जिसके स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया है। अब आलू का आपको क्या करना है, जब तक पकाना है इसके ऊपर एक हल्का सा ना गोल्डन कलर आ जाएगा। देखिए आ गया ना थोड़े थोड़े धब्बे। तो अब आपको क्या करना है, आलू जो है वो निकाल लेना है। सारे आलू आपको टिश्यू पेपर पे ऐसे भी निकाल सकते हैं। बचे हुए ऑयल में 2 चुटकी आपको अजवाइन डाल देनी है, और 2 टेबलस्पून के जितना आपको चॉप लहसुन रफली कट किया हुआ है डाल देना है। 6 से 7 आपको हरी मिर्च रफली कट की हुई डाल देनी है, क्योंकि लाल मिर्च हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। 1 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे ताकि लहसुन में अच्छी सी एकदम खुशबू आ जाए। फिर इसमें हम 1 प्याज चॉप किया हुआ, चॉप बोले तो मतलब थोड़ा सा रफली चॉप किया हुआ प्याज है ये। प्याज डालने के बाद भी आपको 2 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा ब्राउन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर चॉप किया हुआ, और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है आपको। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1/4 चम्मच के जितना आपको लाल मिर्च पाउडर डाला है, कलर के लिए अच्छा सा कलर आएगा इसका। 2 चुटकी आपको हल्दी डालनी, हल्दी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है। अब फिर से आपको 1 से 2 मिनट इन सारी चीज़ों को पकाना है, मतलब हमें कोई मसाला तेल ऊपर छोड़ दे ऐसा कुछ नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट। फिर हम इसमें ये आलू डाल देंगे जो हमने सेलो फ्राई किए थे, और इन्हें भी हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। ये हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जो साग हमने जो रफली चॉप किए थे वो डाल देंगे। ऐसे दबा दबा के आपको डाल देना है, क्योंकि बाद में जब ये गलेगी ना तो अपने आप है ना ये बहुत कम हो जाएगी, मतलब 9 के बराबर ही हो जाएगी। तो फिलहाल आपको दबा दबा के डाल देना है। ढक देना है मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक। पहले 2 से 3 मिनट तक आपको इसे पकाना है, ताकि जो ये गलने की प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। और ये देखिए ये थोड़ी डीप हो गई है, मतलब गल चुकी है। अब हम थोड़ा सा आलू और ये सारी चीज़ें एक साथ मिला लेंगे। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिला लेनी है। जैसे जैसे आप मिलाएंगे ना तो वैसे वैसे फिर ये मतलब थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, इसकी जो क्वांटिटी है साग की, मतलब गलने लगेगा ये। तो ये मैंने मिला लिया है। फिर से आपको इसे ढक देना है और मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, जब तक कि साग पक ना जाए, आपको लगे कि हाँ साग पक चुका है, और फिर आपको ढक्कन हटा देना है। लगभग 5 से 6 मिनट और आपको पकाना है लो मीडियम फ्लेम पे, और हमारा जो चौलाई आलू की सब्जी है वो बनके तैयार है। यकीन मानिए बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग मैंने कर दी है शुरू, आप इसे रोटियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आ गए हैं रेसिपी देखते देखते तो लाइक करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, रेसिपी अच्छी नहीं, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ।